बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक के। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं जब हमने अपनी पॉपुलेशन के साइज को नोट करना होता है कि हम वाइटल इवेंट्स लेते हैं और वो वाइटल इवेंट्स को जब हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वाइटल इवेंट्स मिल के बनाते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक। वाइटल इवेंट्स आपके पास क्या थे कि आपने बर्थ नोट करनी है, डेथ्स नोट करनी है, डिवोर्सेज नोट करनी है, माइग्रेशंस एक्स्ट्रा, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन साइज पे अफेक्ट करते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं वाइटल स्टैटिस्टिक के? हमने वाइटल स्टैटिस्टिक तो पढ़ा, हम कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अवर कंट्री के लिए और पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन रखने के लिए। तो इसके यूजेस हमारे पास क्या हैं स्टूडेंट? फर्स्ट यूज़, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी हैं ये यूजेस लेकिन आपको समझने हैं, तो हम कहते हैं द वाइटल स्टैटिस्टिक एग्जिबिट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले कि आपका जो पैटर्न है, चेंजिंग पैटर्न, वो हमें बताता है कि आपकी जो पॉपुलेशंस हैं, पैटर्न चेंजिंग पॉपुलेशन, कि जो आपकी चेंजिंग पैटर्न पॉपुलेशन लिख लें या कुछ भी, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशंस का पैटर्न कैसे चेंज हो जाए, क्या आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसके लिए आप डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई करते हो, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं या क्या फूड्स अच्छी नहीं हैं लोगों की, क्या प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ पर अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो पैटर्न जो है, चेंजिंग पॉपुलेशन जो है, वो हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें मालूम हो जाता है कि बर्थ और डेथ्स कितनी हो रही हैं। तो यो उसको एक थ्रो लाइट अपॉन द मेडिकल फैसिलिटीज़, तो वो एक लाइट प्रोवाइड करता है, हमें एक समरी प्रोवाइड करता है अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड डिफरेंट आपके जो सिचुएशंस आपकी कंट्री में अकर हो रही हैं वो हमारे पास सामने आ जाती हैं कि हमारे पास क्या उनकी कैटेगरीज जा रही हैं। सेकेंडली हमने कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड इन द बर्थ एंड डेथ, मेनी मैन्युफैक्चर प्लान देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज ए फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन एंड अदर आर्टिकल्स नीडेड फॉर चिल्ड्रन एंड एज पीपल्स। हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ फूड जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ फूड्स का आप कैसे कह सकते हो? देखो स्टूडेंट, हम कहते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक, आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड इन द बर्थ्स और डेथ, मेन्यू मैन्युफैक्चर प्लान, आपके पास प्रोडक्शन ऑफ फूड्स जो है उसका प्लान, क्लॉथिंग का, अगर बर्थ ज़्यादा हो रही हैं तो आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, अगर डेथ अकर हो रही है तो कपड़े की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ बढ़ जाएगा। इसी तरह ये हमें एक मेडिकल के बारे में प्रोवाइड करते हैं कि अगर डेथ ज़्यादा हो रही है, इट्स मीन आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो प्रोडक्शंस ऑफ द फूड्स एंड द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वैल्यू जो हमारे पास कमोडिटीज आ जाती हैं उनके बारे में आपको ये लाइट प्रोवाइड करता है और आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपने किस चीज़ को कितने में बैलेंस करना है। तो ये हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक से ही हमें समझ में आ रहा होता है, तो यूज ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक में आ जाता है। फिर हम कहते हैं द वाइटल स्टैटिस्टिक आर यूज बाय द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज टू ड्रॉ अप देयर सोशल एंड इकोनॉमिक प्लान्स, प्लान्स बनाने के लिए, कि हमें सोशल्स या गवर्नमेंट क्या आपको एक पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमने प्लान्स फॉर्मूलेट करने हैं फॉर अवर कंट्री वाइटल स्टैटिस्टिक को देखते हुए, तो वो आपको इन प्रोवाइड करता है। यूज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक में आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, हम कहते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज द नंबर ऑफ डेथ्स आर द ग्रेटर यूज इन टेकन रेमेडियल मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। हमारे पास कंट्रोल एंड स्प्रेड डिजीजेज। अब स्टूडेंट, वाइटल स्टैटिस्टिक क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डेथ एंड द बर्थ के बारे में, तो अगर डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं तो ये हमें क्या पॉलिसीज प्रोवाइड करेगा, कि आपने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं और कंट्रोल करने हैं अपनी पॉपुलेशंस को। कैसे कंट्रोल करोगे? आपने डिफरेंट डिजीज़ को, इन्फेक्शंस डिजीज़ हो रही हैं, डिफरेंट डिजीज़ हो रही हैं जिनकी वजह से आपकी जो डेथ है कंट्री में वो ज़्यादा हो रही हैं, उसको आपने कंट्रोल करना है, तो ये आपको एक पॉलिसीज़ प्रोवाइड करेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा कि आपने इन चीज़ों को अब ज़्यादा फॉलो करना है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हमें हमारे यूजर्स में आ जाता है वाइटल स्टैटिस्टिक में। फिर हम कहते हैं कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आर नीडेड इन मेनी ऑफ सर्कमस्टांसेस। जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स,
ये हमारे पास डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ हमें बर्थ एंड डेथ रेट्स जो हैं, सर्टिफिकेट्स जो हैं, वो चाहिए होते हैं। जैसे कि आप देख लो कि लाइफ इंश्योरेंस के जो होते हैं वहाँ भी हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब तक रजिस्टर नहीं करवाओगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। इसी तरह एक्यूरेटली रजिस्टर एंड सिस्टमेटिकली कलेक्टेड वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू चेकअप द एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड बाय द सेंसेस के लिए। सेंसेस के लिए हमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से जो भी डेथ हो रही है या बर्थ हो रही है उसको रजिस्टर करवा रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, तो जो सेंसेस के लिए आपके पास डेटा आ रहा है ना, आपने जो पॉपुलेशन को काउंट करना है, वो आपके पास एक्यूरेट आएगा, क्योंकि आपने जो भी डेथ अकर हुई है, बर्थ अकर हुई है, आपने वाइटल स्टैटिस्टिक में जाके रजिस्टर करवाई है। तो जो सेंसेस है, जो हमने पॉपुलेशन काउंट करनी है, वो हमारे पास क्या होगा कि ईजीली हमारे पास आ जाएगी। देन हम कहते हैं कि द रिप्रोडक्शन रेट्स आर स्टडाइड टू नो वेदर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्टेबल। हमारे पास क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है क्या वो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है या स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन रेट्स जो हैं वो स्टडी हो जाते हैं कि क्या आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है, अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट पॉलिसीज के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो आपको लगेगा कि ये किस वजह से डिक्रीज हो रही है, डेथ क्यों ज़्यादा हो रही है। आप उस रीजंस को समझोगे और उस पर मोर फोकस करोगे। और अगर स्टेबल है तो ये आपको बताएगी कि आपकी जो कंट्री की सिचुएशंस है क्या वो अच्छे तरीके से जा रही है या नहीं जा रही, तो ये आपके पास एक ओवरऑल समरी प्रोवाइड कर देती है। देन हम कहते हैं कि द एक्यूरेसीज आर वाइटल स्टैटिस्टिक व्हेन एस्टिमेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू बी चार्ज। लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज़ हो रही होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। फिर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पे, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर कर रही होती है। देन हमारे पास आ जाता है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स। अच्छा, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पे कैसे असर कर रही होती है, हम कहते हैं द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द ज्वेलर्स, फर्नीचर्स, मैन्युफैक्चरर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेंड इन द मैरिजेस रेट। हमने कहा कि जो मैरिजेस रेट हैं वो वाइटल स्टैटिस्टिक, वाइटल इवेंट्स हैं, क्योंकि अगर मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं तो पॉपुलेशन साइज चेंज हो रहा है, आपके पास साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास मैरिजेस रेट्स बढ़ रहा है, इट्स मीन बिजनेस फ्लॉरिश कर रहा है, हमारे पास बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स कर रहा है, बूम पे जा रहा है, पीक पे जा रहा है। वाई? क्योंकि हमें ज्वेलर्स, ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, फिर फर्नीचर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस्ड करती हैं फॉर अवर द कंट्री में, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड आ जाती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि जो मैरिजेस रेट्स हैं इज़ आल्सो इंक्लूड इन द वाइटल इवेंट्स। देन आप क्या कहते हो, द वाइटल स्टैटिस्टिक आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च नीड टू पब्लिक हेल्थ एजेंसीज। रिसर्च नीड, हम कहते हैं रिसर्च नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास पब्लिक हेल्थ एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं कि आपके पास अगर क्या कहते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा हेल्थ डेथ ज़्यादा हो रही हैं तो आप उस पर रिसर्च स्टार्ट कर देते हो कि वाई डेथ्स अकरिंग मोर। ठीक है, या क्यों डेथ ज़्यादा अकर हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हो, डिफरेंट रीजंस को सर्च आउट करते हो कि जो कि आपकी पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट कर रही होती है। तो यूजेज ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके पास आ जाते हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूजेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।